अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। बातचीत में ट्रंप ने आतंकवाद समेत तमाम मुद्दों पर भारत के साथ खड़े होने की बात कही, तो वहीं भारत को अमेरिका का सच्चा दोस्त बताया। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने ट्रंप और पीएम मोदी की फोन पर की गई बातचीत की जानकारी दी है। बातचीत में दोनों देशों के नेताओं ने आतंकवाद समेत तमाम मुद्दों पर भारत अमेरिका के एक साथ खड़े होने का संकल्प दोहराया। इसके साथ ही ट्रंप ने भारत को अमेरिका का सच्चा दोस्त और सहयोगी बताया, तो वहीं पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया है। ट्रंप के अमेरिका निमंत्रण पर पीएम मोदी ने भी ट्रंप को भारत आने का निवेदन किया है। हालांकि बातचीत में ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्था और रक्षा जैसे व्यापक क्षेत्रों में अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। आपको बता दें कि 20 जनवरी को ट्रंप ने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था और पीएम मोदी दुनिया के ऐसे 5वें नेता हैं जिनसे ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद बात की है। आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान जिन देशों के साथ संबंध मजबूत करने की बात कही थी उनमें भारत का नाम भी शामिल था। तो कारोबारी से राष्ट्रपति बने ट्रंप हमेशा से भारत के साथ मजबूत संबंधों के पक्षधर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की कमान संभालने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कितनी मजबूती आती है ये देखना फिलहाल बाकी होगा। देखते रहिए डीबी लाइव।